मेरा स्ट्रेस लेवल कम करना ही मेरा अच्छा जीवन है। अगर मैं कुछ बात को ऐसे पकड़ू तो मुझे जीने की परिभाषा समझ में आ जाएगी, मजा आएगा फिर उसके अंदर। तो आपको कोई काम काम नहीं लगेगा, टेंशन टेंशन है। समझो ऑफिस में मैं हूँ, काम कर रहा हूँ, जैसे मैं 5 साल SIB जूनियर कॉलेज में लेक्चर लेता रहा, क्योंकि मैं खुद MA बीएड हूँ। मुझे काम करते करते एक बात पता चली वहाँ पे, जैसे हम अच्छा काम करते हैं हमारे ऊपर और काम आता है, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे ऊपर और काम आता है। तो मैं काम करता रहा, मेरे पास काम आते रहे, मैं काम करता रहा, मेरे पास काम आता। एक बार मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन मन में ये आवाज़ आई कि अरे तू काम अच्छा कर रहा है इसलिए तुझे काम मिल रहा है, तू काम अच्छा कर रहा है इसलिए तुझे अच्छा मिल। अच्छा, मैं अगर काम करता रहूँगा और टेंशन के साथ करता रहूँगा, ये काम कर रहा था, बॉस ने और ये काम लगा दिया, और ये काम लगा दिया, और ये काम, तो होगा ये जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी सारी गलतियाँ करती बैठूँगा, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें सारी गलतियाँ हो जाएगी। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि मैं ऐसे देखूँगा उसको, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छा और काम मिल रहा है। तो मैंने मेरा नज़रिया ही चेंज कर दिया। तो जब मैंने कॉलेज छोड़ा और लैंग्वेज के क्लासेस निकाले, फिर योगा के क्लासेस चलाने लगा, फिर कोचिंग के क्लासेस करने लगा, सेमिनार करने लगा, तो जब मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया तो मेरे ट्रस्टीज को ये बोलना पड़ा कि साहब एक काम कर, तू ये भी कर और ये भी कर। 8, 9, 10 को भी सीखा, 11, 12 जूनियर कॉलेज को भी सीखा, और 13 भी घर का काम दे, तो और काम और टेंशन भरा और काम। तो होता ये है जब हम काम करते हैं और उसको इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो काम मज़ा लगता है, मज़ा आता है, काम काम नहीं होता है। हम देखो छोटे बच्चों को घर में कोई बोलते हैं काम ये करके आ जाओ, बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, अच्छा पढ़ाई तो कर, नहीं ये अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है नहीं। अब उसको बोलो एक बैट ले लो और खेलने जाओ, हाँ ये मज़ा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम इसमें नहीं कि कुछ वो करने के लिए नहीं, उसमें नहीं प्रॉब्लम, उसके मन के अंदर जो बात चल रही है उसके साथ अगर वो फिजिकली कॉन्टेक्ट बाहर से होगा तो मज़ा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे सामने जो भी काम है, मेरे पसंद का है नहीं है छोड़ दो उसको, मुझे उसमें इंटरेस्ट लेने की कला आनी चाहिए। इसमें मज़ा है, इसमें मज़ा है, चलो लेके देखते हैं। ऐसा करेंगे तो टेंशन अपने आप हावी हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, टेंशन टेंशन लगेगा ही नहीं, अपना काम काम ही नहीं लगेगा, मज़ा आएगा उसमें, इंटरेस्ट आएगा। दूसरी बात करते हैं डाइट पे पूरा ध्यान देंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे या एक्सरसाइज करने वाले लोगों को आप देखते हैं तो पता चलेगा कि वो अपने डाइट के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं, क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आज स्ट्रेस का लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो हम लोग खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव, वड़ा, इसको खाना चाहिए, इसे फेंकना चाहिए जो मैं खा रहा हूँ, प्रॉब्लम इसी से रिलेट है। ये सब चीज़ें मेरे अंदर बॉडी में फाइबर जा ही नहीं रहा है। कुछ लोग तो इतनी बातें करते हैं, जब योगा में लोग आते हैं बोलते हैं सर कुछ भी छोड़ने के लिए बोलो, पिज़्ज़ा मत छोड़ने के लिए बोलो प्लीज़, या मेरे प्लीज़ बोलने से या मेरे ना हाँ बोलने से आपका थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मैदा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है ये मेरे हाँ ना से थोड़ी रिलेट है। आप खाएंगे तो प्रॉब्लम है, आप मेरे सामने नहीं खाएंगे, मेरे बाजू में खाएंगे, मेरे पीछे खाएंगे, प्रॉब्लम तो है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम है, छोड़ना है तो छोड़ना है तुरंत। तो ऐसा डाइट करेंगे जिसे मुझे फाइबर मिले, जिसे ग्रीन लीफ मिले, ग्रीन वेजिटेबल मिले, मुझे एनर्जी मिले। हमारा डाइट क्या है? नॉनवेज कुछ लोग खाते हैं, ऑयली खाते हैं, मसाला भरा हुआ है उसके अंदर। कुदरत ने आपको जो दिया है वो नेचुरल है, आप नेचुरल खा के देखो मस्त रहेंगे। कुछ संत लोग तो केवल फ्रूट खाते हैं और उनके चेहरे एकदम मस्त दिखते हैं, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं और चेहरे पे कोई प्रसन्नता है ही नहीं, नॉनवेज खा 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 के फिर प्रसन्नता तो गायब, किसी को मार के कैसे लोग खुश हो सकते हैं। हर्बल खाओ अच्छा है, फाइबर है उसके अंदर, हरी सब्जी है उसके अंदर, मज़ा आता है उसके अंदर। तो हमारा डाइट ऐसा हो जिससे टेंशन हमारा निकल जाए, ये नहीं। अच्छा देखो नॉनवेज जो खाते खाते रहो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं जो बोलता हूँ देखो, अभी हमें कोई मारता है तकलीफ देता है तो हमें बुरा लगता है, बुरा लगता है। हमने मुर्गे को लिया
उसको पकड़ा, उसको अभी मुझे काटना है, वो बोलेगा क्या? वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहा है मेरे साथ, ऐसा बोलेगा? उसे जब जब वो मरता है, जब उसके ऊपर सूरी चलती है, तो उसको इतना अंदर से, तो उसके बॉडी में जो ब्लड है वो टॉक्सिक बन जाता है, उसका जो शरीर है वो टॉक्सिक बन जाता है जिसे हम खा रहे हैं। अच्छा, वो जो अनाज अभी तैयार हुआ, वो हम जो अभी खाएंगे, क्या होगा उससे? अच्छा होगा? अच्छा, आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन दूसरी मात्रा में भी मिल सकते हैं, वहाँ से ले लीजिए। इसके लिए किसी जानवर को मारना जरूरी नहीं है, आप खाते होंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा कम खाइए। अच्छा, दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि सर टेंशन के मारे हम झुटका लगाते हैं, लगाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं चलेगा, इससे टेंशन और बढ़ेगा। हम थोड़ा कभी कभी ले लेते हैं, लेने दो ना, नहीं चलेगा, इससे हेल्थ के ऊपर पूरा असर हो जाएगा। क्यों? आपको मालूम है कि अगर ये आदत किसी के अंदर है तो आपको एंग्जाइटी क्रिएट करके देगी कि ये कर करके, आपको एंग्जाइटी होगी अंदर से कि ये करो अभी, ये नहीं कि आपकी आदत है, आपको वो एंग्जाइटी क्रिएट करके दे। कुछ लोग बोलते मुझे चाय पीने से चलता ही नहीं, और फिर चाय का समय हो जाता है तो उनके अंदर से एंग्जाइटी क्रिएट हो जाते हैं, और वो एंग्जाइटी को सॉल्व करने के लिए चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा जरा भी नहीं, ये हमने क्रिएट किया हुआ हमारे दिमाग का वहम है। देखो, कोई एक आदमी है जो शराब पीता है, पान खाता है, गुटखा खाता है, सब खाता है, उसने किसी का खून कर दिया और जेल में चला गया 5 साल के लिए। 5 साल तो सजा कम है, लेकिन हम मानते हैं उसको 5 साल के लिए अंदर चला गया। अभी वो जो आदमी 24 घंटे ये सब आदतें करता है, वो जेल में जाने के बाद जेलर उसको देने वाला है, अरे भाई तेरा 11 बज गया है, शराब का टाइम हुआ, एले बोतल, अरे तेरा पान खाने का टाइम होगा, ये पान ले, ऐसा होने वाला है? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। अब होगा क्या? देखो, वो जैसे अंदर चला गया, उस दिन से अगले 5 साल तक ये सभी आदतें उसके बंद, क्या वो फिर मर जाएगा? नहीं। हम बोलते हैं अरे चाय नहीं पिएगा तो मैं मर जाऊँगा, अरे मुझे चलता ही नहीं, क्योंकि मुझे मिलता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मुझे आसानी से मिलता है करके मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अरे नहीं, झुटका नहीं मारेगा तो चलता ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं जब मैं यंगस में सेमिनार करता हूँ तो बोलते नहीं सर ये तो नहीं छूटने वाला, ऐसा होता नहीं है। आप ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ वो मिलता ही नहीं है, तब क्या करोगे? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कितना दिन रोएंगे? वापस नॉर्मल में आ ही जाओगे, कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें करनी है, नहीं ये चीज़ हमें एंग्जाइटी पैदा करती है ये करने के लिए, और फिर हम लोग बोलते इनके सिवा हम लोग रह नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनके सिवाय भी हम लोग रह सकते हैं। जो लोग देश चलाते हैं, हमारे मोदी जी, इनका वही कितना है, उम्र कितनी है उनकी? बहुत ज़्यादा है। ये उम्र में वो क्या चला रहे हैं? देश चला रहे हैं। उनको कितना टेंशन होगा? बहुत टेंशन होगा। फिर मोदी जी ने भी ये सोचना चाहिए चलो हम भी ऐसा करें, हमारे घर की औरतें घर चलाती हैं, कितना टेंशन है उन्हें? बहुत टेंशन है। चलो जेंट्स बोलते हैं कि टेंशन है करके मैं ये करता हूँ, तो औरत ने भी क्या करना चाहिए? अभी टेंशन है, मुझे भी एक बोतल चाहिए। आप पी के आते हैं, आपको टेंशन है, एंग्जाइटी स्ट्रेस है, ऑफिस में बहुत सारा काम है, मुझे भी घर में टेंशन है, मैंने भी एक बोतल रखा है, औरतें भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में इसको अलाउ नहीं है, हम बोलेंगे ये तो चलेगा नहीं, ऐसा जेंट्स पी सकते, लेडीज नहीं पी सकती, तो ये बैन वो औरत को ये काम करने नहीं देता है, ये बैन। अगर ऐसे बैन मैंने अपने मन पे लगाया तो ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं, जो चीज़ें बेकार की हैं, जो मेरे काम की नहीं है, तो होगा क्या? होगा ये कि मैं ऐसे चीज़ों से दूर रहूँगा, किसी भी टेंशन से, मुझके मुझे मुझ पर कोई भी टेंशन होगा ही नहीं। तो मतलब ये है कि टेंशन मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ। टेंशन क्या है? टेंशन ये नहीं कि कोई चीज़ में है, कोई इवेंट्स में है, कोई घटना में, बिल्कुल नहीं, मैं उसके बाद में क्या सोचता हूँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मुझे आसानी से टेंशन लेने को मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। मैं आसानी से चीज़ों को नज़दीक कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पीछे कोई वजह है जीने की, तो आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। अगर मुझे 7 बजे यहाँ पे सेमिनार करना है, और मेरा बाजू वाला, मेरा बिल्डिंग वाला, मेरा सोसाइटी वाला बोलता है कि मुझे आपके साथ झगड़ा करना है सर, ये बात से लेके झगड़ा करना है, तो मैं क्या कहूँगा? एक काम करते हैं, 7 से 9 बजे मुझे सेमिनार है, 9:30-10 बजे या 16:30 को मिलते हैं, तब जाके झगड़ा करेंगे, क्योंकि अभी मैं फिलहाल बिजी हूँ,
यानी कि हम जब बिजी होते हैं तब फालतू चीजें अपने पास नहीं आती। हम जब बिजी होते हैं तो फालतू चीजें अपने पास नहीं आती, हम जब खाली होते हैं तो ये दिमाग में आते हैं। हमारा दिमाग जब खाली होता है, एम्प्टी माइंड से इविल्स वर्कशॉप, हमारा दिमाग जितना खाली रहेगा उतने नेगेटिव बातें चलेगी। हमारा दिमाग जितना सोचेगा, फीलिंग्स में सोचेगा, पॉजिटिवली सोचेगा, फ्यूचर के बारे में सोचेगा, खुद को अहमियत देके सोचेगा, खुद को ऊंचा उठने की अहमियत देके सोचेगा, तो ये बातें जीरो बनेगी या फिर उनके बारे में आपको कुछ लगेगा ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा लगेगा। नेक्स्ट है, हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा होना चाहिए।